हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल NPC नीवा फिजिक्स क्लासेस। सो गाइज, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने के पहले लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, इट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन ओवर अ यूनिट चार्ज, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। देयर आर इज द रेजिस्टेंस एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल विच आर अपोजिंग द करंट। मीन्स करंट का अपोज करने वाला एक जो फैक्टर होता है, दिस इज द रेजिस्टेंस। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किए जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से। ओके, हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम R1, R2 एंड R3, दीज आर द रेजिस्टेंस एंड दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, इट इज़ कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये रेजिस्टेंस जो है एक सर्किट के साथ कनेक्टेड है। सर्किट में की, बैटरी, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये सभी इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप टैप की को क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड करंट जब पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो करंट को एक सिंगल पाथ मिलेगा। ओके, करंट ए टू बी जाने के लिए कोई डिफरेंट पाथ की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिंगल पाथ मिलेगा। सो करंट विल बी सेम फॉर एवरी रेजिस्टेंस। R1 के लिए भी सेम होगी, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी सेम होगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I इज सेम बट पोटेंशियल यहाँ डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि R1 के लिए जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, R2 के लिए पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा और R3 के लिए डिफरेंट होगा, तो V जो है वो डिफरेंट होगा। अगर आप टोटल वोल्टेज की बात करें, टोटल पोटेंशियल की बात करें, तो V इज इक्वल्स टू V1 फॉर R1 रेजिस्टेंस एंड V2 फॉर R2 रेजिस्टेंस एंड V3 फॉर R3 रेजिस्टेंस। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू जो है IR प्लेस करेंगे हम इस इक्वेशन में, V एज IR, IR V1 के लिए, IR1 V2 फॉर V2, IR2 एंड फॉर V3 IR3। हियर I इज द कॉमन, सो I इज गोइंग टू बी कैंसल आउट। ओके, वी हैव R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है और दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को आप इक्विवेलेंट करना चाहें या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना चाहें, तो आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सभी का आपको एडिशन करना है, सिंपल वे में एडिशन करना है। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि यहाँ पे करंट जो है डिवाइड हो जाएगी। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो पाथ है वो सेम है, ए टू बी पाथ है, तो वहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। बट यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ए पॉइंट ए पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ए फॉर R1 रेजिस्टेंस के लिए करंट I1 होगा, R2 रेजिस्टेंस के लिए करंट I2 होगा और R3 रेजिस्टेंस के लिए करंट I3 होगा। तो करंट यहाँ डिफरेंट हो गई, तो I की वैल्यू क्या होगा, हो गई यहाँ पे डिफरेंट। ओके, बट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, V
एज सेम। तो टोटल करंट क्या हुआ, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। हियर वी हैव द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर, देन आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। ओके, तो वी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वी एस सॉरी आई एस वी बाई आर, आई वन एस वी बाई आर वन, वी बाई आर टू एंड आई थ्री एस वी बाई आर थ्री। ओके, विच टर्म इज कॉमन, यस वी, वी इज कॉमन, सो वी एंड वी इज गोइंग टू बी कैंसल आउट। ओके, वन बाई आर इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। दिस इज द ट्रेडिशनल फार्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप टू रेजिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला है आर इक्विवेलेंट फॉर टू रेजिस्टेंस आर वन मल्टीप्लाई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर टू ये फार्मूला आप डायरेक्ट पुट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आप हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, इसीलिए सारे अप्लायंसेस को पैरेलल ही ऐड किया जाता है। इसमें क्या एडवांटेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप सर्किट यूज़ करेंगे या जो भी अप्लायंसेस यूज़ करेंगे वहाँ पे पैरेलल में है, इन द सेंस अगर आपके वन सर्किट काम नहीं कर रहा है तो ये दोनों सर्किट तो काम करेंगे, ये दोनों अप्लायंसेस तो काम करेंगे। अगर ये थ्री सपोज करिए थ्री बल्ब हैं, तो अगर वन बल्ब फ्यूज़ हो गया तो ये टू बल्ब तो ग्लो करेंगे, उनको जो इक्वल वोल्टेज मिल रहा है। ओके, करंट सप्लाई सिर्फ एक में नहीं हो रहा है, बाकी दो में तो हो रहा है। तो ऐसे इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू ये एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी अप्लायंसेस है उनमें स्विच होता है, एक हर एक अप्लायंसेस का एक अपना स्विच होता है जिसके थ्रू आप जो भी अप्लायंसेस यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, सपोज आपके पास सर्किट है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, अब बैटरी से कनेक्टेड है इन द सेंस यहाँ पे सप्लाई करंट का सप्लाई होगा। ओके, जब आप टैप की ऑन करेंगे तो करंट का सप्लाई होगा। तो करंट का सप्लाई या इलेक्ट्रॉन्स का चलना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस है इनके थ्रू पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल, और बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होके वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड देन इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करते हैं एंड देन करंट कंस्टिट्यूट होता है। अब ये तो हुआ जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है वो। अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वर्क करेंगे, जो भी आपका वर्क होगा उसमें कन्वर्ट होगा, एंड जो रिमेनिंग एनर्जी है वो या तो हीट या तो लाइट में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये जो हीट और लाइट में जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए डेली लाइफ का हम एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि अगर आप फ़ैन को ले लें, फ़ैन को बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आपने ऑन रखा तो वो गर्म हो जाता है। ओके, तो ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, अब इसके फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। वर्क हियर W इज द वर्क एंड Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, वर्क डन ओवर अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, इससे आप पोटेंशियल सॉरी वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी इंटू क्यू। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए, ये जो वर्क डन है दैट इज द एनर्जी, यही एनर्जी है।
ओके और इसे हम इस टॉपिक में एच से डिनोट करेंगे, किससे एच से डिनोट करें, एच इज इक्वल्स टू वी इनटू क्यू होता है। देन इफ वी टॉक अबाउट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओके आई को स्मॉल बी आप सपोज कर सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर एंड क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से टू फॉर्मूले जनरेट हुए थे। अब दोनों की वैल्यू वी एंड क्यू की वैल्यू आप इस इन के प्लेस पे पुट कर दीजिए तो आपको फॉर्मूला मिला आई स्क्वेयर आर टी। ये जो फॉर्मूला है दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस फॉर्मूले से आप और भी दूसरे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। सब इस फॉर्मूले में आपको आई की वैल्यू को पुट करना है वी बाई आर। अगर आप वी बाई आर आई के प्लेस पे पुट करेंगे तो एच होगा आपका वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर टी। ओके सो वी हैव वी स्क्वेयर आर से आर कैंसिल हुआ तो वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी। हियर वी हैव अ न्यू फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ओके और हीट एनर्जी। एंड अगेन इफ वी पुट आर इक्वल्स टू वी बाई आर वी बाई आई इन दिस फॉर्मूला देन वी हैव एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन वी बाई आई, तो आई ऊपर चला जाएगा। ओके एंड देन टी, वी से वी कैंसिल हुआ तो एच इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। तो ये जो थ्री फॉर्मूलेज हैं, फर्स्ट एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी एंड थर्ड एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। दीज थ्री फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स पर्पस। ओके अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने जो फैन का एग्जाम्पल लिया था ये तो एक एग्जाम्पल हुआ डेली लाइफ का हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट का यूज़ भी कुछ कुछ अप्लायंसेस में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, ओके इलेक्ट्रिक आयरन में किया जाता है और इलेक्ट्रिक हीटर में इसका यूजफुल वर्क किया जाता है। ओके तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जनरली हम जो पावर स्टडी करते हैं वही है पावर का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क के प्लेस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होगा। ओके सो द डेफिनेशन विल बी रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस। ओके इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट पे प्रोड्यूस होती है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ओके इलेक्ट्रिक पावर को आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पी इज इक्वल्स टू एच बाई टी प्लस द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इन प्लेस ऑफ दिस देन पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला हुआ आपका इलेक्ट्रिक पावर का। अब इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले को इस तरह भी आप बना सकते हैं। ओके यहाँ से पी स्क्वायर आई के प्लेस पे आप वी बाई आर रखेंगे तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके ये सेकंड फॉर्मूला है एंड थर्ड फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू वी आई। इस फॉर्मूले को आप वी आई पी के थ्रू याद कर सकते हैं। ओके बस आपको क्या करना है, ये एच तो रहेगा सभी जगह और अपॉन टी है तो टी से टी सभी जगह कैंसिल हो जाएगा तो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है वही रहेगा, बस जो वैल्यू है टी वो कैंसिल आउट होके और यहाँ पे पावर आ जाएगी। पावर का यूनिट होता है वाट, इससे आप सिंबल कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब अगर आप बात करें पावर इज इक्वल्स टू एच बाई टी होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एच इज इक्वल्स टू होगा पी टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को
जो आपका यूनिट है वो क्या है? जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जूल है. ओके, बट पावर के अकॉर्डिंग देखें तो वॉट इंटू सेकेंड हुआ. अब अगर आप इस पावर को इस तरह से किलो वॉट इंटू सेकेंड को अगर आप चेंज करें वॉट पर सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं. देखिए, 1 किलो वॉट आर को आप 1 किलो वॉट इंटू आर लिख, पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दें. ओके, अब 1 किलो वॉट को आप वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, ये वॉट हुआ. 1 आर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो पहले 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हुआ, एंड देन 60 से किया तो फिर सेकेंड में. ओके, सो वी हैव 36 × 10⁻¹⁵. कितने जीरोज हुए? 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 10⁻¹⁵ वॉट इंटू सेकेंड. इसे आप इस तरह से 3.6 × 10⁻⁶ वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये हुआ एक जो चेंज, जैसे आप हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जो चेंज कर रहे हो वो. बट ये चेंज करने का हमारा इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन यही है कि ये जो वैल्यू है 3.6 × 10⁻⁶, इट इज़ कॉल्ड 1 यूनिट. ओके, आप देखते होंगे जैसे आपके घरों में यूनिट के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो वो 1 यूनिट मीन्स 3.6 × 10⁻⁶ जूल आपने एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी को यूज़ किया, तब जाके आपने 1 यूनिट का उसे पैसे पे किया. ओके, तो ये होता है हमारा 1 यूनिट की वैल्यू. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.